पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार दिया और कहा देश और मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बदहाल होती जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर सिवनी के धूमा पहुंचे। वे नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से उनके आश्रम में भेंट करने गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज किसानों की हालत बदहाल है। मक्के का सही रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा है, धान खरीदी का भी किसानों को उचित रेट नहीं मिल पा रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार रहने पर अधिक से अधिक उचित मूल्य किसानों को दिया जाता था। दिग्विजय सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा मोदी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वे एक नंबर का झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। मक्का का अभाव पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार में 1800 के ऊपर खरीदा गया था और आज 800-900 में मक्का बिक्री, कोई खरीददार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि हम MSP दिलवाएंगे। कहाँ दिलवाया मक्का के किसानों को? यहाँ अधिकांश आदिवासी लोग मक्का बोते हैं। ये सब फर्जीवाड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी जो है झूठे सच्चे लोगों के आरोप लगाते रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।